जबलपुर को यूं ही संस्कार धानी नहीं कहा जाता है। आपको बताएं, यहाँ दर्शनीय स्थलों की भरमार है और सभी दर्शनीय स्थल एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं। आज ऐसे ही हम बताने वाले हैं ग्वारी घाट में स्थित गुरुद्वारा की। जी हाँ, यह गुरुद्वारा की सबसे खास बात यह है कि यह नर्मदा माता के दूसरे छोर पर स्थित है और आप यहाँ जाएंगे तो आपको माता नर्मदा में नौका विहार करके दूसरे पार जाना होगा। उसके बाद आप गुरुद्वारा पहुँचेंगे और खूबसूरती की मिसाल है यह गुरुद्वारा। अक्सर आपने देखा होगा कि गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद ऐसी जगहों में होते हैं, या तो समतल कोई जगह होती है या कहीं और होते हैं, लेकिन यह गुरुद्वारा की सबसे खास बात यही है कि माता नर्मदा के दूसरे छोर में, और यहाँ हर रोज़ बहुत श्रद्धालु पहुँचते हैं और गुरुद्वारा का नज़ारा लेते हैं। आपको बताएं, यहाँ की सबसे खास बात यह भी है कि यहाँ अक्सर लंगर होते रहते हैं और जो भी गुरुद्वारा में पहुँचता है वह लंगर का स्वाद भी चखता है और प्रसाद का आनंद भी लेता है। खूबसूरती की वजह से ही यहाँ लोग अपना प्री वेडिंग सूट भी कराना पसंद करते हैं। आपको बता दें, यहाँ की सबसे खास बात में से एक बात यह भी है कि जब आप नौका विहार करते हुए जाएंगे गुरुद्वारा के लिए तो रास्ते में आपको पक्षियों का उड़ना बेहद ही खूबसूरत दिखाई देगा और यह नज़ारा लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अगर आप जबलपुर में रहते हैं या जबलपुर से बाहर से भी आते हैं और जबलपुर घूमना चाहते हैं तो आपको गुरुद्वारा ग्वारी घाट में ज़रूर जाना चाहिए। ये बेहद खूबसूरत है, यहाँ फोटोग्राफी का आनंद भी उठा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक त्रिपाठी, जबलपुर।